हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। चलिए आज शुरू करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है, जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी बोला जाता है। सही, जिसकी उर्दू में जिसको उर्दू में कहा जाता है फेल हाल जारी, मतलब जो काम हाल में शुरू हो और हाल ही में खत्म हो जाए, ठीक है। और इसकी उर्दू में पहचान है जुमले के एंड में रहा है, रही है या रहे हैं आता है, ठीक है। और इंग्लिश में इसकी पहचान है ing, वर्ब के साथ ing लगता है हर जुमले में, और इस MR इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और M जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है, और फर्स्ट पर्सन भी सिर्फ आई के साथ, ठीक है। और इस जो है वो थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। और R जो है R वो सेकंड पर्सन के साथ और फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है, जिसमें फर्स्ट पर्सन जिसमें वी आता है, ठीक है। अब आए इसको हम शुरू करते हैं, तो एग्जाम्पल इसकी देखते हैं कि इसकी क्या एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं, फेल हाल जारी। अब ये देखें, आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं गाड़ी चला रहा हूँ या चला रही हूँ, ठीक है। ये गाड़ी की पिक्चर भी सामने आ गई है, तो ये देखिए, ये ड्राइविंग जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की निशानी है। अब ये देखिए, यू आर टेकिंग टी, तुम चाय पी रहे हो। अब ये टेक के साथ ing लगा ले तो ये रहा रही में तब्दील हो जाता है, ठीक है। यू आर टेकिंग टी, मैंने कहा ना ing लगता है वर्ब के साथ, तो ये रहा रही को जाहिर करता है, जो काम जमाने में जो काम हो रहा होता है मौजूद, ठीक है। अब ये देखें, बच्चा जा रहा है बूढ़े आदमी के साथ, तो द चाइल्ड इज वॉकिंग विद एन ओल्ड मैन, बच्चा बूढ़े आदमी के साथ चल रहा है, ये वॉक कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था इस MR किसके साथ लगता है, आपने देख लिया। अब नेगेटिव सेंटेंस में देखें, अब जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होते हैं उसको नेगेटिव एंट्रोपिक बनाना बहुत इजी होता है। उसको नेगेटिव बनाते वक्त फौरन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। अभी देखें, ही इज गोइंग टू बैंक, वो बैंक जा रहा है, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस है, सही। लेकिन अगर हम इसको नाफिया में या नेगेटिव में चेंज करेंगे तो बड़ा इजी तरीका है कि जो इस यहाँ पे लगा हुआ, ये जो इस जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया आपके लिए, ठीक है, ये इस जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इस के फौरन बाद नॉट लग जाएगा। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये सेंटेंस भी आपके लिए मैं लिख के बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, सॉरी नहीं, बैंक, कि वो बैंक नहीं जा रहा। समझ आ गई, हेल्पिंग वर्ब के साथ एकदम नॉट लग जाता है, तो आपको समझ आ गई। अब इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया सेंटेंस में आपको बताती हूँ। अब देखिए, मैं एक एक दो दो सेंटेंस इसलिए बता रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपको समझने में आसानी भी हो, सही। आपको एक एक सेंटेंस से समझ तो आ गई, फिर आप कोई बुक वगैरह लेके खुद भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। अब ये इंट्रोगेटिव देखिए, ये एरोप्लेन है, तो डेफिनेटली एरोप्लेन के मुताबिक ही कोई सेंटेंस भी होगा। तो ये देखिए, एरोप्लेन के लिए मैं बताती हूँ, इज़ द प्लेन लैंडिंग, क्या ये प्लेन जो है ये उतर रहा है, मतलब जमीन पे उतर रहा है, लैंडिंग कर रहा है, ठीक है। और ये देखें, ये आखिरी बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इसका क्या आएगा, इसके साथ भी इजी आएगा, इज द मैन टीचिंग द चिल्ड्रन, क्या ये आदमी बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये इस जो हेल्पिंग वर्ब है इसको मैंने शुरू में कर दिया है, सही। तो ये इंट्रोगेटिव है। अब ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव आपको मैं बताती हूँ, जिसमें सवालिया और नाफिया दोनों जुमले मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इस बात पे नाराज मत होना कि मैं आपको एक एक दो दो सेंटेंस बताती हूँ, मेरे पास टाइम कम होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए एक एक दो दो सेंटेंस आपको बताती हूँ, सिर्फ इसलिए बताती हूँ कि आपको खाली समझ आ जाए। अभी देखिए, मोबाइल है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब ये थी मोबाइल की पिक्चर आ गई, तो मोबाइल के मुताबिक सेंटेंस भी मैं आपको बताती हूँ। देखें, इज द फोन नॉट रिंगिंग, क्या ये फोन नहीं बज रहा। हम ये इस नॉट को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस नॉट को इकट्ठा भी लिख सकते हैं। अब ये लड़का यहाँ पे पढ़ रहा है या बिलफर्स नहीं पढ़ रहा, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे कि इस द बॉय नॉट स्टडिंग, क्या ये लड़का नहीं पढ़ रहा।
तो